सर बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, और एक बात पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे तो हो सकता है कि कॉल थोड़ा लंबा हो जाए, ठीक है जी सर, क्योंकि जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने पहले भी मेरा देखा होगा ना, तो मैंने दो तीन स्टूडेंट से कॉल पे बात किया है और उनका मैंने सेशन भी अपलोड किया था यूट्यूब पे, तो उसमें आपको दिखा होगा कि मैंने कितना टाइम दिया है स्टूडेंट्स को। जी सर जी, हाँ, तो जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक हम लोग कॉल पे बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में इसलिए बात करेंगे ना, क्योंकि आपको पर्सनली कहाँ से किस चीज में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, कब से प्रॉब्लम हो रहा है, कब से आप तैयारी शुरू किए हैं, है ना, सबसे पहले किसे फॉलो किए, किसे फॉलो करने के बाद इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, इन सारों बातों को जानना इम्पोर्टेंट है ना जी सर, तभी जाके फिर मैं अपने साइड से आपको कुछ नया बता पाऊंगा। जी सर, हाँ जी, तो अब आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया है। जी प्रिपरेशन सर मैंने कर दिया था जब मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तभी से, बट सर मैंने उतना मतलब मन देकर नहीं पढ़ता था उसको, मतलब ईयर बताएं, साल बताएं, साल साल सर 2019 2019 से आप कैसे कर रहे हैं। जी सर 2019 में मतलब तो उस टाइम सिर्फ अब रीजनिंग और मैथ का पढ़ता था, इंग्लिश में अभी सीरियसली नहीं पढ़ता था थोड़ा, अभी से मतलब 6 महीने सीरियसली पढ़ना चालू कर दिया। अच्छा जी सर, उस टाइम से मतलब जब मेरे को शुरू में ही जब मैं 12 फाइनल कर लिया, हाँ, तो सर मैंने ग्रेजुएशन इसीलिए बीए चुना कि ताकि हमको बैंकिंग में जाना है। अच्छा, मतलब पहले से आपका प्लान था कि हाँ आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है। जी जी सर, ठीक है, मैंने बीए किया और उसी टाइम से धीरे धीरे मतलब अभी आदमी के मन में ये रहता है कि अभी अभी प्लान करना, अभी 3 साल टाइम है, 3 साल टाइम, इसी तरह से टाइम निकल गया और पता चला कि इंग्लिश में सर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, नंबर नहीं आ रहे हैं, मैथ रीजनिंग में आ जाता है, सब मिलाकर अराउंड दोनों सब्जेक्ट मिलाकर 40 नंबर आ जाता है सर। हाँ ठीक है, ये पीओ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं ना आप। जी सर, पीओ में मैं क्लर्क का उतना मौका नहीं देता हूँ पीओ का, क्योंकि सर वीडियो यूट्यूब पे बहुत देखे हैं, तो मतलब सर बोलते हैं कि आप पीओ की तैयारी करोगे तो क्लर्क हो जाएगा, थोड़ा मतलब मॉक दोगे जब उस टाइम से जब एग्जाम देना हो, हाँ, तो हो जाएगा, इसीलिए पीओ की तैयारी करते हैं सर। ठीक है, जो सर बोलते हैं, सबसे पहले आप अपना बात बताइए, फिर उसके बाद सारे सर को हम अभी गलत साबित कर देंगे। अभी आप बताइए, आप अपना बात बताइए। जी सर, तो यही तो मैं पीओ का ही ज्यादा मॉक देता हूँ। ठीक है, उसमें सर इंग्लिश में मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। हाँ, और वैसे अभी तक आप एग्जाम कितना फेस किए हैं मॉक के अलावा, जो रियल एग्जाम होता है ना, कोई एग्जाम दिए हैं? जी नहीं सर, अभी तक आप कोई एग्जाम नहीं दिए हैं? नहीं सर, इस साल अप्लाई किए हैं आईबीपीएस पीओ का, अभी मेरा रिजल्ट इसी साल, इस साल फाइनल रिजल्ट अभी आया है ग्रेजुएशन का। जी अच्छा, ठीक है, और एसबीआई पीओ अभी अप्लाई करना है ना? जी, और एसबीआई क्लर्क तो आप नहीं किए होंगे? नहीं नहीं, वो नहीं किया है। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी, जी कुशीनगर जिले। अच्छा ठीक है, सही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो अभी तक हमको बात समझ में आया है, 2019 में आप मतलब रैंडम ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट किए कि हाँ चलो बैंकिंग का करना है, धीरे धीरे रीजनिंग और मैथ पे आप थोड़ा सा पकड़ बनाने लगे हल्का फुल्का, लेकिन कहीं ना कहीं वो 3 साल कब मतलब गुजर गया और 2022 आ चुका है, आपको पता नहीं चला, और इस बीच इंग्लिश को आपने बिल्कुल भी टच नहीं किया। जी सर, हाँ, तो और अभी के समय में जब आप पिछले 6 महीने से थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं अपने प्रिपरेशन को लेके, तो आपको ये समझ में आया कि आप जहां से भी मॉक वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका इंग्लिश का जो अटेम्प्ट है या इंग्लिश का जो आपका परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही गया गुजरा है, मतलब बहुत ही लो है, खराब कर सकते हैं उसे, है ना? जी सर, हाँ यही, मतलब ये एवरेज भी नहीं है, या इसे बिलो एवरेज भी नहीं कहेंगे, यहाँ तक कि कभी कभी सर माइनस में भी नंबर आ जाते हैं, मतलब पूरा निगेटिव चला जाता है। जी सर, पता ही नहीं चलता, जिसको मैं श्योर होकर मारता हूँ कि ये हो जाएगा, लगता है कि सही हो जाएगा, फिर भी सर पता नहीं क्यों, आपको लगता है कि वो सही हो जाएगा लेकिन होता क्या है कि उसका जो रियल जो अंतर रहता है वो गलत हो जाता है ना। जी सर, जब एग्जाम का एनालिसिस करते हैं जब मॉक का, तो पता चलता है अरे नहीं सर ऐसे था, ये था, वो था, फिर उसको याद कर लेते हैं, फिर कुछ दिन एक दो दिन बाद मॉक देते हैं, फिर कोई दूसरा रूल आ जाता है, फिर गलत हो जाता है, और सर मैं जब पैसेज रीडिंग करता हूँ तो नीचे आते आते ऊपर का सब भूल जाता हूँ सर। हाँ अच्छा, मतलब जैसे कि आप ऊपर से पढ़ना स्टार्ट किए, जैसे जैसे पैरा आपका नीचे जा रहा है ना, तो ऊपर वाला क्या पर है, क्या उसका थीम था, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट था, कहने का उसका मतलब क्या था, है ना, वो आपके माइंड से मतलब वो निकल जाता है। जी सर, ठीक है, आपका हमको सब प्रॉब्लम एक्चुअली समझ में आ चुका है।
अब सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि अभी तक आपने इंग्लिश के लिए जो पिछले 6 महीने से जब से आप सीरियस हुए हैं तब से आप इंग्लिश के लिए किस टीचर को फॉलो कर रहे हैं? जी सर, मैंने ग्रामर के लिए निशा मैम को 120 रूल जो है वो मैं पढ़ा हूँ सर। 120 रूल में सर कितना रूल याद है? जी फिलहाल सर 10-12 होंगे, याद ही नहीं होती। हम क्या बोले, हम सारे टीचर को गलत कर देंगे ना। जी सर। अच्छा, तो 120 रूल में से आपको मतलब 10-12 याद है। वो भी हो सकता है कि कभी कभी आप उसका अगर क्वेश्चन आ जाता होगा तो वो भी उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आता होगा, आपके दिमाग में आप रिटेन नहीं कर पाते होंगे, करे यार इसका रूल कौन सा था। हाँ जी सर, वो होता है कि वो भी होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई रूल है उसके बाद से अगर दिया होगा कि वर्ब मतलब सिंगुलर आएगा तो मुझे लगता है कहीं प्लूरल भी आ सकता है। हाँ ठीक है, मतलब वही बात है कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद रूल आपने कर रखा है, उसके बावजूद भी आपको अभी के टाइम पे अगर ऐसा देखा जाए ना तो हार्डली आपको 10-12 रूल उसका याद होगा टोटल 120 में से। जी सर। इसका मतलब 120 में से कह सकते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 10% रूल याद है। जी सर। ठीक है, तो अब उसके बाद उसमें भी होता क्या है कि आपको थोड़ा सा कभी कभी डाउट हो जाता है किसी क्वेश्चन में, और खासकर वो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा लेंदी हो तो अगर डायरेक्ट या इजी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा तो आप उसको कर लेते होंगे, सही भी होता होगा। हाँ सर, अगर मैं आ जाता हूँ कोई हिस्ट्री बेस रहता है वो नहीं हो पाता है। हम जान रहे हैं ना भैया, हम जान रहे हैं, हम सब कुछ जान रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने मैसेज में भी लिखा है बहुत बार, मेरा एक सजेशन जो है ना वो 100 लोगों के बराबर में। जी सर, वो हम सब कुछ समझ रहे हैं, हम सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि इस लाइन में मेरा खुद का कम से कम 5-6 साल हो चुका है ना बैंकिंग के फील्ड में। तो बात क्या है ना कि सबसे पहले तो आप अभी भी, अच्छा अभी आप निमिषा मैम को फॉलो कर रहे हैं या अभी आपने टीचर चेंज किया? जी सर, अब मैं सिर्फ रीडिंग करता हूँ और वो जो 120 रूल है वही मतलब ज्यादातर मैं देखता हूँ मॉक में सर, वही आते हैं, पीट होते रहते हैं। हाँ ठीक है, मॉक में तो वही होता रहता है, सही बात है, लेकिन उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नहीं है ना। जी सर, तो अब जब इम्प्रूवमेंट, हाँ बोलिए बोलिए सर। जब रीडिंग करता हूँ द हिंदू का तो सुबह जब रीडिंग करते वक्त भी सर मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, रीडिंग करते वक्त आप, हाँ कितना भी फोकस करता हूँ सर दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो उसमें समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है। हम सब बता देंगे आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम सब कुछ समझ गया ना, समझे? जी हाँ जी, क्योंकि कोई भी टीचर होता है ना वो अपने अकॉर्डिंग बताता है, और हम एज अ स्टूडेंट लोगों को जज करते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों का प्रिपरेशन में क्या कमी है, कहाँ वो लोगों का वीकनेस है, हम एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उन लोगों को एनालाइज करते हैं। जी सर। लेकिन कोई भी टीचर है वो तो अपने अकॉर्डिंग बताएगा ना उन लोगों का क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। अब हर एक कोई टीचर की तरह तो नहीं सोच सकता है ना, टीचर को किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक समझ में आएगा, वो किसी स्टूडेंट को कैसे समझ में आएगा, या वो हर एक स्टूडेंट को कैसे समझ में आएगा। हाँ सर, वो तो पूरा होल लेकर चलते हैं, मतलब पूरे सब स्टूडेंट को बताते हैं, इंडिविजुअल को थोड़ा ही बताते हैं। हाँ बिल्कुल वही बात है, तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर वगैरह है ना, वो हर एक स्टूडेंट के लिए बस की बात नहीं है। जिन लोगों ने पहले कर रखा है, पहले अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट ग्रामर के टॉपिक वाइज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, जिसमें आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, आपका आर्टिकल हो गया, ये सब जितना भी टॉपिक है, मुझे लगता है कि मैंने शायद सारे टॉपिक का नाम ले लिया, कोई छूटा नहीं ना? नहीं सर। तो हाँ, तो हुआ क्या ना कि सारे जो 8 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर के हैं, जिन्होंने इनको अच्छे से किया है, बेसिक से किया है, ना कि सिर्फ 120 रूल्स ऑफ कर रखा है। हेलो जी सर, जी सर आपकी आवाज कट रही थी, जिन्होंने मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच किया है, जिन स्टूडेंट्स ने पहले अच्छे से बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से पार्ट्स ऑफ स्पीच का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, या तो 8 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, जिसमें आपका वही आ गया, नाउन प्रोनाउन आ गया, वर्ब एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, कंजंक्शन आ गया, आर्टिकल आ गया, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अच्छे से करके रखा है उनके लिए 120 रूल्स जो है ना वो एक तरह का बूस्टअप का काम करता है। वो एक न्यू स्टूडेंट के लिए वो कभी भी प्रैक्टिकल नहीं है, कभी भी यूजफुल नहीं है। जी सर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं है ना, वो आपको एक अलग लेवल से बताया जा रहा है, अलग स्टेज से बताया जा रहा है। अभी तो आप स्टेज 1 पे नहीं है और आप स्टेज 3 का काम कर रहे हैं, तो कैसे आपको समझ में आएगा? जी सर,
कुछ आपको समझ में आ रहा है मेरा बात? जी सर, मतलब ये भी अब हम भी नाउंस चालू करें। बिल्कुल, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल काम करें ना। अब देखिए सिंपल सा बात है, मैं आपको एक छोटा सा बात बोलता हूँ। मान लीजिए आपको फिफ्थ फ्लोर तक, आपको फिफ्थ फ्लोर का, फाइव फ्लोर का या पांच तल्ला का कोई बिल्डिंग है, ठीक है, मतलब फाइव फ्लोर का बिल्डिंग है या पांच तल्ला का, आप लोग तल्ला समझते होंगे, तल्ला बोलने का मतलब उतना फ्लोर है ना। जी जी सर, जी सर, फ्लोर मतलब समझते हैं। हाँ ठीक है ना, तो पांच फ्लोर का अगर कोई बिल्डिंग है, आपको जाना है फोर्थ फ्लोर पे या तो फिफ्थ फ्लोर पे, ठीक है जी, तो आप कैसे जाइएगा? क्या आप लोग सुपरमैन की तरह या शक्तिमान की तरह जंप करके डायरेक्ट फिफ्थ फ्लोर या फोर्थ फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, या आपको फ्लोर बाय फ्लोर जाना पड़ेगा कि पहले चलो फर्स्ट फ्लोर पे गए, फिर सेकंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, तब जाके फिर फोर्थ पे जाएंगे, अब फिफ्थ पे जाना है तो उसके बाद हम लोग फिफ्थ पे जाएंगे? जी सर, ऐसे ही जाएंगे। ऐसे ही जाएंगे ना, या अचानक से आप मतलब ऐसे जंप करेंगे, या कोई सुपरमैन का सूट पहन लेंगे, उसके बाद आपका कोई बटन रहेगा वहां पर, बटन को प्रेस करेंगे तो उड़ के छू, ऐसे मतलब उड़ के एकदम सुपरमैन टाइप आप एकदम वहां लैंड कर जाएंगे जाके डायरेक्ट? नहीं सर, ऐसा सर मूवी थोड़ी है, मूवी थोड़ी है ना, ये प्रैक्टिकल है ना, लाइफ है ना, रियल है ना। जी सर, तो 120 रूल ऑफ ग्रामर है ना, वो डायरेक्ट वो सुपरमैन टाइप का कहानी वाला बात हो गया। जी सर, आपको विश्वास भले नहीं होगा, क्योंकि आप टीचर जो बोलता है, टीचर जिस फ्लो में आके बोलता है ना, या टीचर जिस तरीके से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता है, आपको लगेगा कि वाह यार ये टीचर तो बिल्कुल, जब ये टीचर कर रखा है, ये टीचर इतना पढ़ा रहा है इतने स्टूडेंट को, इस टीचर के वीडियोस पे इतने लाखों में व्यूज है, तो ये गलत थोड़ी बताएगा, ये बताएगी, स्टूडेंट के माइंड में ये जाता है। लेकिन स्टूडेंट को ये समझ ही में आता है, कह रहे यार उन लाखों स्टूडेंट में कितने लोग ऐसे होंगे ना जो कि आपके जैसे हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, बस उनका व्यूज वहां पर शो कर रहा है। जी। होता क्या है कि हर एक बच्चा नहीं समझ पाता है, उनका वीडियोज पे किसी भी टीचर के कितना ज्यादा व्यूज रहे, कॉमेंट्स रहे, लेकिन आप उनसे प्रैक्टिकली अगर पर्सनली मिलेंगे, पूछेंगे ना, तो उसको खुद कुछ नहीं बुझाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है ना, जितना स्टूडेंट अच्छे से करके रखे होंगे, उनको भी अभी के समय में मैं अगर पूछ लूंगा कि 120 रूल आप मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। जी सर, उसमें सिर्फ एक फॉर्मूले टाइप है जो बता दे रहे हैं। हाँ, अरे हमको उसका कम से कम बेसिक आना चाहिए ना, हमको लेयर बाय लेयर प्रैक्टिस इंसान को करना चाहिए, लेयर बाय लेयर इंसान को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए ना। जी सर, देखिए हो सकता है, मतलब सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, मेरा जो बात होता है ना वो थोड़ा सा ब्रूटल होता है, वो आपको मेरे मैसेज में भी दिखता होगा, या मेरे स्ट्रेटजी वीडियोस वगैरह में आपको दिखता होगा, मैं ज्यादा फालतू बकवास वगैरह में बिलीव नहीं करता हूँ। जी सर, आपको हम सबसे, आप देखे तो सर एक बार सर्च मारे आपके यूट्यूब पर, मतलब सबसे मतलब बढ़िया मॉडल तो आपने बताया था टेक्स्ट बुक का, मतलब हाँ, बिगनर के लिए, बिगनर के लिए। जी जी, आपने हाँ, बोलकर बोला था कि बढ़िया मॉडल है, इससे मैंने इसे ही सिलेक्शन ले लिया है। हाँ, वो तो मैंने उस पर सही में सिलेक्शन लिया था। अब क्यों लिया था? क्योंकि उस टाइम के अकॉर्डिंग उसे सिलेक्शन होता था, अभी के अकॉर्डिंग एग्जाम का डिमांड कुछ और है, तो अभी के अकॉर्डिंग आप लोगों को दो मॉक से प्रिपेयर करना चाहिए। अब दो मॉक कौन सा है? तो सबसे पहले अगर जो बिगनर लेवल के स्टूडेंट है ना, उनको कम से कम सबसे पहले टेक्स्ट बुक से अपने आप को एक लेवल पे लाना चाहिए प्रैक्टिस करके, कि सबसे पहले हम लोग ईजी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल जो हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, जितना भी फंडामेंटल्स हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, उसे आप लोग अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चंस पे, इजी मॉक में सीखेंगे। अब उसके बाद जब आपका एक लेवल डेवलप हो जाएगा है ना, या आप लोग अगर सेकंड फेज ऑफ प्रिपरेशन में आ जाएंगे, तो उसके बाद आप लोगों को स्विच करना चाहिए थोड़े से हाई लेवल के मॉक पे। अब हाई लेवल का मॉक सबसे बेस्ट मार्केट में कौन सा है, या बैंकिंग एग्जाम के लिए अगर बात किया जाए तो ऑली बोर्ड है। क्यों ऑली बोर्ड का मैं सही में बोलता हूँ, अभी के समय में वो एग्जाम रिलेवेंट आप लोगों को करवाता है, ना ज्यादा हार्ड रहता है ना ज्यादा इजी रहता है। लेकिन स्मार्ट किरा का क्या है, स्मार्ट किरा में आप लोगों को प्री के मॉक में मेंस का क्वेश्चन रहेगा। अब प्री के मॉक में मेंस का क्वेश्चन है तो सही बात है, लेकिन अब एक बच्चा कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा अगर वैसा क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देगा तो? जी सर, जब उतना हार्ड मॉक देते हैं तो आदमी पूरा दिन भर का स्ट्रेटेजी खत्म हो जाता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्रस्ट्रेशन अलग से डेवलप होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं स्टूडेंट, उन्हें लगता है कि मैंने आज तक जो भी सीखा है वो बेकार है, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो स्कोर नहीं आ रहा है, मेरा अटेम्प्ट नहीं हो रहा है। जी जी, इसीलिए मैंने सर लिया था उसका, मतलब ऐसा सब बर्बाद हो गया, लेकिन कुछ फायदा कुछ नहीं हुआ सर। हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, पूछा हूँ सर कि कौन सा मॉक लें, आपने बताया ओली बोर्ड, तो एक बार आप पे कमेंट दीजिए सर कि आप ओली बोर्ड स्मार्ट किया और इसका भी सर, तो आपने बोला था कि जी जी तो आप देखिए प्रैक्टिस मॉक, हाँ हाँ मैंने बोला था, तो प्रैक्टिस मॉक का भी आपका कहना था कि प्रैक्टिस मॉक क्यों नहीं है ना, आपने सर पूछा था, तो प्रैक्टिस मॉक इसलिए नहीं क्योंकि जब प्रैक्टिस मॉक
पे अगर हम लोग थोड़ा सा और अगर प्राइस को अगर हल्का सा हम लोग अगर मैनेज कर लें कि हाँ चलो 200 और लगा देते हैं, है ना, तो उस 200 में आपको जो क्वालिटी मिल रहा है ना, वो क्वालिटी का प्रैक्टिस फॉर्म कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता है। एक एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, जनरल कैटेगरी बोलने का मतलब जो आपका कास्ट बेस्ड हो गया उसके अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी बोलने का मतलब जनरल स्टूडेंट, ठीक है ना। एक आम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बोला जाए ना तो ऑली बोर्ड सबसे बेस्ट है, क्यों, उसमें आप लोगों को प्री के लिए भी जिस लेवल का अभी क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में देखने को मिल रहा है ना, प्री के एग्जाम वगैरह में, वो भी वो प्रोवाइड कर रहा है और मेन्स का भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आपका स्मार्ट कीरा और जो प्रैक्टिस मॉक वगैरह है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिलेवेंट है, बिकॉज वो आपको प्री में कभी मेंस घुसा देता है और मेंस में कभी प्री दे देता है, तो वो एक लेयर बाय लेयर अच्छा एक मेरे ख्याल से प्रैक्टिस का सोर्स नहीं है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। इसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जो होगा ना उनका अलग ओपिनियन होगा, अलग विचार होगा, लेकिन मेरा ये मानना है। और मैं अपने आपको पता है क्या, किसी भी चीज को जज करता हूँ तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जज करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अभी के समय में एग्जाम का जो डिमांड है, मैं भैया उसके अकॉर्डिंग चलूंगा जी सर, है ना। अब अभी के समय में हम 2 साल पुराना स्ट्रेटेजी अपना के अगर काम करेंगे तो क्या उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? पहले के समय में आज से 2 साल पहले कट ऑफ कलर का जाता था कम से कम आपका 70 के अराउंड रह जाता था। अभी के समय में कल जो रिजल्ट निकला है उसमें कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका कट ऑफ 85 प्लस चला गया है कलर के एग्जाम का। हाँ, उत्तराखंड 39.5 समथिंग गया है, ठीक है ना, 87 गया है आपका उड़ीसा का, एमपी का गया है 85.50। तो अब अगर उसके अकॉर्डिंग अगर 2 साल पहले जो कट ऑफ जाता था, अगर कोई आपको वो स्ट्रेटेजी घिसा पीटा बता रहा है और अगर आप लोग उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या आप कभी भी आज के कट ऑफ को मीट कर पाएंगे? नहीं है, ये कोई भी पॉसिबिलिटी है इस बात का? कोई भी इसमें प्रैक्टिकल आपको सेंस दिख रहा है, लॉजिक दिख रहा है? नहीं सर, इसीलिए। अब उसके बाद मैं आपको देखिए सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं ना जिससे और भी स्टूडेंट्स को इस वीडियो से, ये जो मेरा ऑडियो रहेगा इसको मैं मतलब वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन तक भी ये पहुंचेगा उनको कहीं ना कहीं बहुत कुछ कम से कम समझ में आएगा, लेयर बाय लेयर समझ में आएगा, बिकॉज ये सब टॉपिक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके ऊपर मैं बाकी लोगों की तरह अलग से वीडियो नहीं बना सकता हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम है। एक्चुअली हम बाकी टॉपिक पर बकवास कर ही नहीं सकते हैं, मेरे साथ अलग मेरा अलग प्रॉब्लम है। बाकी लोग तो आते हैं पता नहीं क्या क्या बोल के चले जाते हैं, वीडियो उनका चल जाता है, व्यूज भी आ जाता है, और भले वो सही हो गलत हो, क्या बताएं, रिलेवेंट हो नहीं हो, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है सर? जी सर। हाँ, तो इस वजह से मैं इन सब टॉपिक को आपके साथ कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि आप भी रैंडम वीडियोज वगैरह जरूर देखते होंगे, कि क्या पता कहीं से आपको कोई ऐसा, कि कहीं आपको कोई ऐसा सोर्स मिल जाए जिससे आपका इंग्लिश 5 नंबर से 28 प्लस कैसे किया मैंने, 10 दिनों में मैंने कैसे किया, 3 हफ्ते में कैसे किया, 40 दिन में कैसे किया, आप भी कर सकते हैं ऐसा अगर आप वीडियो देखते हैं ना। डेली देखता हूँ सर, डेली वीडियो देखता हूँ। डेली वीडियो देख रहे हैं आप? डेली वीडियो देखने के बाद क्या आपको फायदा हो गया, मॉक में आपका 8 नंबर से ज्यादा आ गया? वही नहीं हो रहा है सर, जब नंबर कम आते हैं तो सर फिर उस वीडियो से क्या, वही ना बात है कि वो वीडियो से क्या फायदा हो रहा है, सवाल तो मेरा ये है ना। अगर उस तरह का वीडियो से सही में एक स्टूडेंट को फायदा हो जाएगा ना, तो मैं वैसा वीडियो डेली डालूंगा। तो कुछ इंप्रूवमेंट ही हो ही नहीं रहा, 4 नंबर 5 नंबर इंप्रूवमेंट होने के लिए वो सब फंडा है ही नहीं, इंप्रूवमेंट होने के लिए आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा जी सर, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो। हाँ सर, तो कोई आप टीचर बता दीजिए इंग्लिश के लिए जिसको हम फॉलो करें। इंग्लिश के लिए आप एक काम करें, सबसे पहले ये बताइए आपके पास अनअकैडमी है? जी सर है, अनअकैडमी है। चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा आपको फायदा होगा तरुण ग्रोवर सर का। आप सबसे पहले देखिए, अगर आप आईपीएस क्यों दे रहे हैं ना, तो मैं आपको एक बात बिल्कुल ऑनेस्ट बोलूंगा, कहीं ना कहीं आप उस एग्जाम को अभी आपके पास मेरे ख्याल से लगभग 20 डेज है अगर अप्रॉक्स हम लोग देखें तो, लगभग में है ना जी सर। मुझे आप बोलिए बोलिए। आईपीएस पीओ को मैंने अप्लाई नहीं किया है सर। आपने आईपीएस पीओ का अप्लाई नहीं किया है? तो आपने बोला कि आपका टारगेट वो है जी, एसबीआई पीओ बोला था सर। एसबीआई पीओ का आपका टारगेट है जी? अरे मतलब हाँ, अरे बैंकिंग एग्जाम, लेकिन अभी जो हमारे सामने है, सबसे पहले हमको प्यास लगा हुआ है, मेरे बगल में जो पानी रहेगा सबसे पहले हम उसको उठा कर पियेंगे ना जी सर, तब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया था सर। हाँ तो कोई बात नहीं, हम समझ गए ना, ठीक है, तो कोई बात नहीं, रिजल्ट आने के बाद आपके नजदीक कौन सा एग्जाम है, तो भैया एसबीआई पीओ है, चलो उसको उठा लेते हैं, ये आपका फंडा है ना जी सर। मतलब टारगेट सबको कर रहा है, मतलब जो अभी आया है उसी टारगेट तो सबको कर रहे हैं, लेकिन अप्लाई हम भी वही बोल रहे हैं कि आपका प्यास लगा हुआ है, आप दूर जाके भी पानी पी सकते हैं बिस्लेरी का बोतल खरीद के, लेकिन जब बगल में एक चापाकल लगा हुआ है, चापाकल बोलने का मतलब जो बोरिंग वाला पानी होता है ना, जब वो लगा हुआ है तो वहां से आप अपना प्यास बुझाने के लिए पानी पियेंगे कि नहीं पियेंगे? जी सर पियेंगे। हाँ
वरना हो सकता है कितना दूर जाने, बिस्लेरी जहां पे मिल रहा है वहां तक जाने में हो सकता है कि आपका मतलब प्रॉब्लम हो जाए, आपका प्यास ज्यादा बढ़ जाए, आपको सांस लेने में ना बने, आप गिर जाए, बेहोश हो जाए, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, है ना। तो जो करीब है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्यास बुझाइएगा। तो वही चीज है आपका कि बैंक का आप टारगेट तो कर रहे हैं सब बैंकिंग एग्जाम्स का, लेकिन जो करीब है उसको आप पकड़ना चाहते हैं, ठीक है जी सर। हाँ मैं सबको समझ रहा हूँ मेरे भाई, मैं सबको समझ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अलग लेवल पे जाके मतलब चीजों को देख लेता हूँ। हाँ तो बात क्या है ना, यहाँ पर आप सबसे पहले अनअकैडमी पे जो, हाँ एक बात और, अभी जो आप एसबीआई को टारगेट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अभी देखा जाए तो लगभग 75 दिन है, मतलब कोई मान के चलते 2.5 महीना है, ठीक है। 2.5 महीना आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मोर देन एनफ है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। उस 2.5 महीने में तो आप मतलब फ्री के साथ अपना मेल को भी इम्प्रूव कर लीजिएगा, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी। मैं आपको एक बात और बोलूंगा एडिशनल, मैं आपको जो भी बताऊंगा उससे आप भले फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज इंप्रूव कर सकते हैं, स्कोर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हाँ फाइनल सिलेक्शन आपका होगा या किसी भी स्टूडेंट का होगा या नहीं होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, या वो कहीं ना कहीं आपके हाथ में भी नहीं है, है ना जी सर। कुछ चीज हमारे लिमिट के या हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, मेरे ख्याल से आपको इतना बात समझ में आता होगा जिंदगी का, लाइफ जी जी सर, वो जी सर समझ रहे हैं। हाँ ठीक है ना, वो कुछ चीज हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, ठीक है। तो मैं इतना ज्यादा आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हाँ मेरे बोलने से आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। हाँ आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच सकते हैं, ठीक है जी सर। तो बुरा नहीं मानेगा मेरे बात का, एक्चुअली मैं बहुत ही ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ। हाँ तो आप अनअकैडमी पे तरुण ग्रोवर सर को फॉलो करें, उनका सबसे पहले आप जो बेसिक का क्लास है ना, तो सबसे पहले आप उसे देखें बेसिक का क्लास। तो जो आपका पीओ के लिए जो कोर्स चल रहा है या जो आपका कलर के लिए कोर्स है उसमें जो बेसिक का क्लास है वो बिल्कुल सेम रहता है, जैसे कि आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। उन्होंने कंप्लीट पढ़ाया है, कंप्लीट पढ़ाया है, पूरा का पूरा उन्होंने कंप्लीट पढ़ाया है, यहाँ तक कि सेम जो उन्होंने टॉपिक को डिस्कस किया है ना टॉपिक वाइज अपना बेसिक कोर्स में जो अनअकैडमी पे, सेम उनका वही कोर्स विद सेम प्रैक्टिस के क्वेश्चन के साथ YouTube पे भी ऑलरेडी अवेलेबल है, वो टॉपिक वाइज सारे टॉपिक को उन्होंने ग्रामर का कंप्लीट YouTube पे भी उन्होंने करवा के रख दिया है, ऐसा नहीं है कि हाँ उन्होंने सिर्फ अनअकैडमी के स्टूडेंट्स के लिए करवाया है, ठीक है जी सर। तो आप अनअकैडमी पे अगर हैं तो अनअकैडमी पे आप उनका मतलब सबसे पहले बेसिक का कंप्लीट करें, आपको कम से कम को कोर्स कंप्लीट करने में है ना, मेरे ख्याल से अगर आप 20 दिन अपना इन्वेस्ट कर देते हैं, 20 दिन अगर आप मान लीजिए 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही, आपके लिए मतलब ये भला होगा आपका, आपको बहुत ही लाभ होगा, फायदा होगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये जो इन्वेस्टमेंट है ना आपका 20 दिन का 2.5 से 3 घंटा अगर आप इंग्लिश पे कर देते हैं तो मैं सच बताता हूँ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल पीरियड होगा इन्वेस्टमेंट का, जिससे आप लोग आपको मतलब आपका करियर सवर सकता है, अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। जी सर आप बोल रहे हैं तो करेंगे जरूर, मान लीजिए। हाँ तो आप उनका वो कीजिए। अब उसके बाद बात रहा कि आपको प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस जो भी बंदा बोलता है कि सिर्फ मॉक दो प्रैक्टिस करो, वो एक नंबर का गधा है, एक नंबर का गधा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मॉक से कोई बंदा प्रैक्टिस करके कैसे इंप्रूव कर सकता है? टॉपिक वाइज हम जब अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, फंडामेंटल्स नहीं सीखेंगे, बेसिक्स हमको समझ में नहीं आएगा, तो सिर्फ मॉक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे हम उस्ताद बन जाएंगे, हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, हम एग्जाम निकाल लेंगे? मॉक में तो हम वही चीज को अटेम्प्ट करेंगे ना जिसका हमको कॉन्सेप्ट पता हो, जिसका हमको फंडा पता हो कि हाँ भैया इसको सॉल्व ऐसे करते हैं। अब जो मैथ का क्वेश्चन आपको मॉक आपको अच्छे से जिसका बेसिक नहीं पता होगा, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, जिसका आपको कैसे इक्वेशन बनाए है ना, कि क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे क्वेश्चन के इक्वेशन बनाएंगे, तब ना जाके आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना मॉक में डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देखेंगे क्या आपका दिमाग काम कर जाएगा, हाँ इसको सॉल्व कैसे करें? जी नहीं सर, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग सिंपल सा बात है, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए, तभी उसके बाद आप धीरे धीरे टॉपिक वाइज आप कंप्लीट करेंगे, तब जाके आपको मॉक का सहारा लेना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, समझे ना, कि सिर्फ और सिर्फ मॉक देते रहना चाहिए। जो लोग भी मॉक सिर्फ और सिर्फ मॉक देते हैं बिना अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट किए, बिना अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखे हुए, बिना बेसिक्स को सीखे हुए, बेसिक अप्रोच को बिना सीखे हुए, उन लोगों को मैं सच बताता हूँ वो लोग हमेशा भटकते रहते हैं और उन लोगों को पता नहीं चलता कि आखिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। उनका सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मॉक का सहारा ले रहे हैं, मॉक के भरोसे बैठे हुए हैं, कोई XYZ कोई बंदा है या कोई XYZ टीचर है जिन्होंने बता दिया कि हाँ सिर्फ मॉक दे दी, आपका मॉक से प्रैक्टिस हो जाएगा, आप लोग सब कुछ सीख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग बैठे रहते हैं उस बात को सुन के, उसके इन्फ्लुएंस में आके, उसके बहकावे में आके, और वो लोग अपना जितना भी कीमती समय है उनका, जिस समय में वो लोग सही से चीजों को सीख सकते थे, बेसिक से सीख सकते थे, कॉन्सेप्ट अपना लर्न कर सकते थे, रिवाइज कर सकते थे,
उसके बाद लेयर बाय लेयर या तो इजी टू मॉडरेट लेवल का फेज बाय फेज है ना प्रैक्टिस कर सकते थे। उसके उसके अलावा बोलो कहाँ पर रहते हैं, तो सिर्फ मॉक के बहियात या मॉक के बहियात या तो मॉक के फालतू क्वेश्चन में पड़े रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को हर मॉक में कभी किसी मॉक में आपको इजी देखने को मिल जाए, कभी किसी मॉक में आपको ऐसा दिखे कि आपको क्वेश्चन समझ ही में नहीं आ रहा होगा, कि आप उसे जब समझ ही में नहीं आ रहा है तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे जी सर, है ना। अब दूसरा बात होता है क्या है कि मॉक में एक और लफड़ा है, एक और लफड़ा बोलने का मतलब मॉक में एक और समस्या है, मॉक का जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो भी कभी कभी बंदे को या स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, क्या था ये एक्सप्लेन कर तो रहा है ठीक है, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है, मुझे कौन इसका एक्सप्लेनेशन समझाएगा जी जी। अब उस एक्सप्लेनेशन को समझाने के लिए जब आप किसी अच्छे टीचर को फॉलो करेंगे तो वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे वो कम से कम उनका आपको एक्सप्लेनेशन तो देगा ना, तो आपको पता चलेगा ना कि अच्छा हाँ इसमें ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ये करना था। मॉक में आपको क्या समझ में आ जाएगा, सच बताइए, मॉक एक्सप्लेनेशन देख जी सर उसका मतलब इतना शॉर्टकट में रहता है, जो कुछ शॉर्टकट में रहता है, अगर मान लीजिए लॉन्ग कट भी रहे तो क्या आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, ईमानदारी से बोलिएगा जी। नहीं सर, जब तक मान लीजिए कोई मतलब कोई कॉन्सेप्ट कोई क्लास नहीं पढ़े होंगे तो कैसे समझ में आएगा। हाँ, और कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ने के बाद भी होता क्या है ना कि सब कुछ एक इंसान सब कॉन्सेप्ट या सब जितना भी क्वेश्चन होता है ना एक सब्जेक्ट का उसमें महारत हासिल नहीं कर सकता है, ठीक है ना जी सर। जी सर, मेरे को भी एवरेज ही बनना है, उतना बन जाए तो काम। हाँ सही है, तो वही एक्चुअली मेरा मतलब इसके अकॉर्डिंग मेरा ये पॉइंट है, मतलब मैं इस तरीके से चीजों को देखता हूँ, और मैंने आपको जो भी बताया हो सकता है कि आपको लग रहा होगा मैं कितना प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपके साथ। जी सर जी, कोई भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा हाँ ये हवाबाजी है, कह रहे यार बस मॉक दो ना पर तो काम हो जाएगा, कुछ भी ऐसा एलिमेंट बात अभी तक मैंने नहीं किया, ये बकवास है भाई, इससे किसी का भी भला नहीं होगा, किसी भी स्टूडेंट का भला नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ जी। हाँ, तो सबसे पहले तो आप क्या करें कि तरुण ग्रोवर सर का जो भी बेसिक वाला क्लास है ना उसे फॉलो करें, क्योंकि वो तो सबके लिए सेम है, चाहे वो कलर के लिए हो या पीओ के लिए हो, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करें कि उनका जो क्लर्क के लिए, सुनिएगा मेरा बात बिल्कुल ध्यान से, पीओ को टारगेट कर रहे हैं अच्छा बात है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है सबसे पहले क्लर्क का, क्यों, क्लर्क का लेवल का जो क्वेश्चन रहेगा ना वो आपका थोड़ा सा इजी रहेगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, आप उसे समझ पाएंगे। अब उस समझने के बाद आपको कहाँ मूव करना है, सारा क्लर्क का जो भी प्रैक्टिस सेशन वो करवाए हैं अनअकैडमी पे, एक्चुअली वो करवाते रहते हैं, मुझे उनके बारे में अच्छे से पता है, तो वो जो भी कलर का करवाए हैं ना कलर का अच्छे से कंप्लीट करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको खुद से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखना है कि हाँ आप ग्रामर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके अलावा कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जैसा कि क्लोज टेस्ट का, अगर वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आप क्लोज टेस्ट में जो भी वर्ड वहां फिट बैठेगा ब्लैंक में आप उसका आंसर सही से दे पा रहे हैं कि नहीं, करेक्ट करेक्ट आंसर है ना। उसके अलावा अगर आरसी वगैरह का वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आप आरसी को सही से पढ़ के अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके आरसी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन वहां पे पूछा गया है उसका आप सही तरीके से आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, कहाँ पे आपसे गलत हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है। अब आपसे मान लीजिए गलत हो गया तो गलत का एक्सप्लेनेशन वो जो टीचर हो गए, वो जो तरुण सर हो गए, वो वीडियो में देंगे ही, तो उसको फिर एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ सर ने ऐसा क्यों किया और मैंने जो किया था वो मैंने क्यों किया था, मुझे क्या करना चाहिए था, कहाँ मेरा गलती हो गया था जी सर, है ना। अब उसके बाद फिर आपको कहाँ मूव करना चाहिए, क्लर्क का अगर आप प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको पीओ लेवल का प्रैक्टिस पे मूव करना चाहिए जी सर। हाँ, लेकिन आप गलती क्या कर बैठे हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ आप पीओ के अकॉर्डिंग ही आप काम कर रहे हैं तो कभी भी आप अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ, आप बाइक वगैरह चलाते हैं जी सर? चलाते हैं। अगर आप बाइक चलाते हैं तो अभी के समय में आप कितना स्पीड पर बाइक चला लेते हैं लगभग, अगर देखा जाए तो? जी सर मिनिमम 60। मिनिमम 60, अच्छा मैक्सिमम बताइए ना। मैक्सिमम 80 तक जाते हैं। मैक्सिमम 80 तक जाते हैं, झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठ बोल रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, खुल के बोलिए ना भैया कि हम 120 तो मतलब पहुंचा देते हैं, 130 पहुंचा देते हैं, अगर KTM वगैरह रहे तो आप पहुंचा देते हैं। सर 120 नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कभी इमरजेंसी है तो 90 प्लस जाते हैं। चलिए ठीक है, 90 प्लस जाते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, आप जिस बाइक को 90 प्लस लेके चले जाते हैं, जो उसका स्पीड है उसके अकॉर्डिंग 90 प्लस आप लेके चले जाते हैं, क्या आप स्टार्टिंग के जिस दिन आपने बाइक के सबसे पहले मतलब कदम रखा था, आप मतलब बाइक को जिस दिन चलाना स्टार्ट किए थे, क्या उसी दिन आप बाइक को 90 प्लस लेके चले गए थे कि सबसे पहले आपने बाइक को बैलेंस करना सीखा था, वो भी चाबी बंद में, चाबी बंद बोलने का मतलब जो इग्निशन था वो ऑफ था, तब जाके आप धीरे धीरे बाइक को बैलेंस करना सीखे, आप पैर से उसे बैलेंस कर पा रहे हैं, आगे पीछे करके देखें कि हाँ चलो बाइक आगे हो रहा है पीछे हो रहा है, उसका गियर और क्लच समझने का कोशिश किए, उसके बाद उसका एक्सेलरेट कितना करना है ताकि बाइक धीरे धीरे बढ़े, ऐसा नहीं कि अचानक से अगर आप एक्सेलरेट पूरा कर लेंगे तो बाइक तो मतलब आगे एकदम तूफान मेल की तरह आगे बढ़ जाएगा, किसी को ठोक ठाक के निकल जाएगा, ये सब आप सबसे पहले सीखे होंगे ना जी। कि अचानक एकदम बोले कि चलो भैया आज तो हम बाइक चला ही लेंगे सीख ही लेंगे,
हम एक काम करते हैं, चलो बाइक को बैठते हैं, चाबी लाओ, चाबी लिए, बाइक में इग्निशन ऑन किए, गाड़ी को अगर किक स्टार्ट वाला गाड़ी है या बाइक है तो किक से स्टार्ट किए या तो सेल्फ स्टार्ट किए, उसके बाद एकदम गियर मतलब फर्स्ट गियर लिए, एक्सीलरेट एकदम ऐसा एक्सीलरेट किए, डायरेक्ट आप एकदम फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ गियर जो भी उस गियर मतलब उस बाइक में जो भी हाई स्पीड वाला गियर हो उसके अकॉर्डिंग आप फिफ्थ गियर सिक्स गियर पे गए और पूरा एकदम जितना एक्सीलरेट आप मतलब कर सकते हैं उतना कर दिए, एकदम पूरा गाड़ी को एकदम रॉकेट बना दिए, ऐसा किए थे जी? नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है ना। तो मेरे भाई यही तो लॉजिक है, यही तो फंडा है कि कोई भी डायरेक्ट सीओ का अगर क्वेश्चन उठा के बना ले तो कैसे उससे बन जाएगा जी सर? समझ में आ रहा है मेरा बात? एग्जांपल समझ में आया? कुछ रिलेट कर पा रहे हैं सर? दुनियादारी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल जो रियल लाइफ होता है ना वो बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी मुंह उठा के रैंडम आपको हम नहीं बता रहे हैं कि हाँ ये कर लो ये कर लो ये बुक पढ़ लो तो हो जाएगा तुम्हारा काम। अरे वैसे कोई भी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा मेरा भाई, कोई भी नहीं ले पाएगा जी सर। आपको विश्वास करना होगा मेरी बातों पे, बिकॉज मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो बिल्कुल रियल लाइफ का एग्जांपल है। जब एक बंदा बाइक को उस तरीके से डायरेक्ट हाई स्पीड पे नहीं चला सकता है, उसको सबसे पहले सीखना होगा बेसिक, सबसे पहले ये पता करना होगा कि हाँ भाई इग्निशन ऑन ऐसे होता है, सेल्फ स्टार्ट ऐसे होता है, गियर चेंज कैसे होता है ना, कितना एक्सेलरेट करना होता है, कब आपको पता चलेगा कि हाँ सेकंड गियर लेने का टाइम आ गया है ना। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज होता है, कोई भी चीज दुनिया में कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप होता है। आप बड़ा भी हुए हैं ना, तो आप साल बाय साल बड़ा हुए हैं, अचानक से आप पैदा हुए थे, उसके बाद आप अचानक से 22 साल 23 साल 24 साल के नहीं हो गए अगले साल, ऐसा हुआ है क्या? जी नहीं, साल बाय साल बड़ा हुए है ना कि हाँ चलो आज हम पैदा हुए हैं, अगले साल एक साल का हो गया बच्चा, दो साल का हो गया, तीन साल का हो गया, फिर अभी आप जितना भी आपका एज होगा उसके अकॉर्डिंग आप अभी इतना साल स्पेंड करने के बाद, इतना साल में आपका उम्र जितना बढ़ा है उसके बाद आप इस जितना अभी आपका एज है वहां पहुंचे जी। क्या आपको मेरा बात बिल्कुल प्रैक्टिकल लग रहा है जी सर, या ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब मैं कुछ भी बकवास कर रहा हूँ रैंडम? नहीं सर, जो भी बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप है ना, आप प्लीज अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, एक्चुअली सुबह में आप जो बताएं कि आपका चार नंबर आ रहा है, मैंने आपका मार्क्स देखा, मैंने देखा यार इतना किए हैं उसके बाद आपको चार नंबर आ रहा है, इस स्टूडेंट का या इस कैंडिडेट का इस बंदे का क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे इससे गलती हो रहा है? अगर ये एसएससीओ का मॉक में रीजनिंग और इंग्लिश मैथ को मिला के इतना अच्छा कर रहा है तो उसके बावजूद गलती कहाँ पे हो रहा है? तो मुझे लगा कि हाँ नहीं, मुझे आज आपसे बात करने का जरूरत है, क्योंकि इसके पहले भी आपने बहुत बार कुछ ना कुछ पूछा है, ठीक है ना। तो ऐसे तो मैं भी थोड़ा सा नॉर्मल हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बताने का कोशिश करता हूँ, लेकिन जहां पे मुझे लगता है कि नहीं इस बंदे को आज मुझे अपना टाइम देना होगा, मुझे इससे बात करना होगा इसका समस्या का, मैं जब तक मतलब सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूंगा तब तक मुझे एक्चुअली पता है क्या, जब तक हम आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देते ना, एक्चुअली हम मेंटली सेटिस्फाई नहीं हो पाते। सुबह से आज हम इस बात सुबह से जब आपका मैसेज देखते ना तो हम उस टाइम पे ही परेशान हैं, हम उस टाइम पे पर्सनली डिस्टर्ब हैं कि आखिर इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कहाँ पे इसका मतलब लैक होगा, क्या क्या वीकनेस है, कमी कहाँ पे हो रहा होगा, कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना होगा। इससे अगर हम मान लीजिए बात करेंगे इस बंदे से तो क्या ये अपना प्रॉब्लम बताएगा, क्या उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो उसके अलावा हमको क्या फिर स्टेप लेना होगा, किस तरीके से आपको हम हेल्प कर सकते हैं। मैंने सब कुछ ये जितना भी टाइम अभी गुजरा है ना आपका मैसेज देखने के बाद, उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ अपने माइंड में सोचा है। हाँ, तो मुझे तो एक्चुअली आपका प्रॉब्लम अच्छे से आपसे बात करने के बाद समझ में आ गया, तो मैंने आपको उस अकॉर्डिंग बताया है, आप प्लीज स्टेप बाय स्टेप काम करें। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि प्लीज दूसरे के वीडियोस के ऊपर मत जाएं, दूसरे तो वीडियो कुछ भी बनाएंगे, आपको हर कोई जो बिल्कुल सही है वो बताएगा नहीं, उसके हो सकता है कि वो सही हो तो भैया उसके लिए हो जी, आपके लिए सही नहीं होगा ना जी सर। समझे, हर किसी का जो कंफर्ट जोन होता है वो डिफरेंट होता है, हर किसी का पसंद अलग होता है, हर किसी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो होता है वो अलग होता है ना जी सर। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो पढ़ाई का भी हो गया ना स्ट्रैटेजी या पढ़ाई का भी जो तरीका हो गया वो हर किसी के लिए अलग है। हो सकता है कि आपको रात में पढ़ना पसंद हो, किसी को मॉर्निंग पढ़ना पसंद हो, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता हो, किसी को थ्योरी पढ़ने में मजा आता हो, है ना। तो ये चीज है, हो सकता है कि आपको आर्ट्स पसंद हो, दूसरे को साइंस पसंद हो, कुछ भी है ना भाई जी, कोई भी सिमिलैरिटी है सर? और प्रैक्टिस हम कहां से करें? प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? सबसे पहले जो टीचर आपको करवा रहा है वो करें, टीचर का जो प्रैक्टिस कोर्स आता है वो क्यों होता है? ताकि वो स्टूडेंट को सिखा सके, एक्सप्लेनेशन दे सके, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। वरना एक बात बताइए, आप प्रैक्टिस इतना टाइम से कर रहे हैं कोई भी फायदा हुआ? मॉक दे रहे हैं, मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मॉक भी प्रैक्टिस का ही सोर्स है ना जी सर।
कोई फायदा हुआ बताइए, हुआ कोई फायदा? नहीं नहीं सर, जब फायदा नहीं हुआ तो स्मॉक को देख के उस प्रैक्टिस को करके आप क्या उखाड़ लीजिएगा? तो फिर प्रैक्टिकल काम कीजिए, सेंसिबल काम कीजिए, जहां से आपको सही में फायदा हो, जो आपको बेनिफिट दे, उस तरीके के उस तरीके से आप चलें, उस तरीके से प्रिपरेशन करें, वरना आप बस इसी जो ये जो आपका हो गया ना, इसी तरह से आप मतलब डायरेक्शन लेस रहेंगे, भटके रहेंगे, रैंडम किसी का भी कुछ वीडियोज वगैरह देखेंगे, वो जो बताएगा। अभी आपने क्या बोला कि आप डेली देखते हैं, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप डेली क्यों देखते हैं, डेली देखने से आपका कौन सा परिवर्तन हो गया, आपका जो भी स्कोर आ रहा था उसमें कौन सा इंप्रूवमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया? आप अटेम्प्ट तक आपका कहना है कि आप मतलब 15 तक पहुंच नहीं पाते हैं, जब डेली आप इतना वीडियो देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए था। अब मुझे आपसे राय लेना चाहिए था, मुझे आपसे सजेशन लेना चाहिए था। जी नहीं सर, देखते हैं, मतलब सब लोग मतलब ऐसे ऐसे कर देते हैं कि आप एडिटोरियल पढ़ो, ये मत करो मत करो, सिर्फ रीडिंग करना। एडिटोरियल पढ़ो, लेकिन एडिटोरियल कब पढ़ो? अरे भैया एडिटोरियल पढ़ो। अब अचानक से आप एक बात बताइए, अचानक से हम आपके सामने कोई हाई लेवल लैंग्वेज का अगर बुक ला के रख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले आपको एबीसी का बुक हम देंगे, एबीसीडी ईएफजी, फिर उसके बाद ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, है ना? ये आपको ये समझ में आएगा कि अचानक से मतलब आपको हम बोले कि हाँ ठीक है भाई चलो ये आपका फर्स्ट क्लास का या स्टैंडर्ड वन का किताब है, ये आपका टेंथ क्लास का इंग्लिश का लिटरेचर का बुक है, इसे आप मतलब पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना? जी नहीं। तो मैंने क्या बोला, वो लोग तो ऐसे ही रैंडम वीडियोस बनाते हैं ना, किसी को क्या पता कि किस स्टूडेंट का क्या स्ट्रेंथ है, कौन सा स्टूडेंट का लेवल क्या है, कौन सा बिल्कुल अभी पूरी तरह से बिल्कुल बिगनर है, बिल्कुल फ्रेशर है, या नोवाइस है जिसको कुछ भी पता नहीं है बैंक एग्जाम के बारे में, या तो जिसका इंग्लिश लैंग्वेज ही मतलब आपने क्या बोला कि आपने 12th से सिर्फ और सिर्फ क्या किया है ना, जब आपका 12वां चल रहा था कि आप मतलब मैथ और रीजनिंग पे थोड़ा थोड़ा फोकस कर बैठे थे, बिकॉज आपको पहले ही माइंड में आ चुका था कि हाँ भैया हमको तो बैंकर ही बनना है। लेकिन इंग्लिश को आप उतना साल से नहीं टच किए हैं। दूसरी बात, आपने बीए किया है, बीए में इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है, है ना? 8 वाला जो कोर्स है उसमें इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है। अब हाँ, आप बीए इंग्लिश ऑनर्स करते तो आपका बात अलग रहता है। हाँ, तो बीए इंग्लिश ऑनर्स आपने नहीं किया है, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि बीए इंग्लिश अगर बीए इंग्लिश ऑनर्स अगर आप करते तो फिर आपको इंग्लिश का थोड़ा बहुत जानकारी होता, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग होता। लेकिन आपने बीए किया है, मे बी आपने किसी और सब्जेक्ट से किया होगा, चाहे वो हिस्ट्री हो गया आपका, एंशियंट हिस्ट्री हो गया आपका, साइकोलॉजी हो गया, कोई भी हो गया सब्जेक्ट, है ना? तो आप उससे, हाँ अच्छा, तो उसे आप किए होंगे, तो आपका इतना साल से इंग्लिश से आपका जो कनेक्शन है, जो आपका रिश्ता है, नाता है, वो तो टूटा हुआ है। तो अचानक से आप जब पीओ का क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, वो भी मॉक से, या तो अचानक से आप लेके किसी टीचर का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर अगर करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि हाँ ये हो क्या रहा है? जी। आपको पक्का समझ में आ रहा है ना मेरे भाई कि आप कहाँ गलती कर रहे थे? जी सर, समझ में आ रहा है। हाँ, पता है क्या, प्लीज अगर सही में सिलेक्शन चाहिए ना, तो अपना जो भी आप अभी तक कर रहे थे उसको छोड़ दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ वो कीजिए, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल का बात बता रहा हूँ, जो रूट लेवल का बात होता है ना। जी जी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, एक बच्चा अगर पैदा लिया तो उसके अकॉर्डिंग वो कैसे धीरे धीरे बड़ा होगा, और वो लोग आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि हाँ, अगर आप 25 साल के हैं तो क्या करें। जी, ठीक है ना, तो समझने की कोशिश कीजिए। और उसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है तो वो पूछें। और कोई डाउट नहीं है, मतलब मैथ में थोड़ा अर्थमेटिक में प्रॉब्लम आता है। मैथ में अर्थमेटिक में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ही समस्या है। तो आपको मैथ में जो अर्थमेटिक में प्रॉब्लम आता है ना, तो मैथ के लिए आप किस टीचर को फॉलो कर रहे हैं या कर रहे थे? जी सर, मैथ के लिए मैंने किसी स्पेशल को फॉलो नहीं किया, कभी आशीष सर से पढ़ लीजिए, कभी अरुण सर बैंकर्स पे पढ़ाते हैं। मतलब सिंपल सा बात है, मतलब आपको जहाँ भूख लगा वहाँ मतलब आप खाने के लिए पहुँच गए प्लेट लेके, है ना? जिससे समझ में आया जो पढ़ लिया, मतलब हाँ, मतलब रैंडम को भी चल रहा है तो मतलब आप बोले चलो ठीक है, चलो आज यहाँ बैठ जाते हैं, आज वहाँ बैठ जाते हैं, है ना? कोई ढंग का ठिकाना नहीं है, मैंने ही बात है आपका। जी सर, आपको मेरा बात बुरा लगेगा तो भैया उसके लिए हम आपसे माफी भी नहीं मांगेंगे, बिकॉज हम बहुत ही ब्रूटल बोलते हैं, किया है ऐसा ही अभी तक करते हैं। हाँ, तो हम वही बोल रहे हैं कि हम भैया ऑनेस्टी के हम बहुत बड़े मतलब हम सपोर्टर हैं, ठीक है ना? हाँ, तो हम वही बोलेंगे जो बिल्कुल फैक्ट हो। हाँ, वरना मेरे अगर झूठ बोलने से या आपके अगर आपको हम मतलब मक्खन मलाई लगाए, मेरे मक्खन मलाई आपको लगाने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हम उसको वो करने के लिए भी तैयार हैं। जी नहीं सर, मक्खन कभी सिलेक्शन नहीं होता किसी का। हाँ, मेरा भले फायदा हो जाएगा, मेरा एक हमेशा से फैन बना रहेगा कि हाँ ये जो बंदा है इरफान जी, ये मेरे फैन है, मेरे सपोर्टर है ना?
तो वो सब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। और टीचर, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, ये एक मैसेज, क्या मैसेज में ही बोला था चैट पे, कि कभी भी आपको किसी का फैन बनने का कोई नीड नहीं है, आप एक स्टूडेंट स्टूडेंट बन के रहिए ना, फैन बन के लटकते रह जाएंगे। हाँ, फैन बन के मतलब वो लटके रह जाएंगे, समझे। हाँ, और वो हवा किसको देगा, मैंने पढ़ा था। हाँ, फैन बन के तो लटके रहेंगे, वो हवा किसको देगा, वो उसी वही जो टीचर वगैरह हो गए ना, उनको हवा देगा। टीचर का रिस्पेक्ट कीजिए, सही बात है, गुरु का मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन गुरु का रिस्पेक्ट करने का ये मतलब नहीं है कि हाँ आप अपना मतलब दिमाग ही नहीं लगाएं, आप अपना टेंस मतलब खो के बैठ जाएं, है ना। आपको अपना भी प्रैक्टिकल सोचना चाहिए ना। हाँ, तो मैथ के लिए अगर आप अभी तक जहां तहां कुछ भी कर रहे हैं तो वो कोई तरीका नहीं है ना। मैंने मैथ के लिए कितना अच्छा आपको सोर्स बताया है, एक अच्छे टीचर के बारे में बताया है, यहाँ बेसिक से सबसे पहले पढ़िए। आप रैंडम जो वीडियोस देख रहे हैं उससे आपको जो भी सीखने में आ रहा है तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में नहीं आएगा, आपको टॉपिक वाइज करना होगा ना। एग्जाम में क्या वैसे ही क्वेश्चन आएगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको अगर प्रिपरेशन करना है। देखिए, सेम ये वही फंडा है मैथ्स का भी जो है ना, मैंने क्या बोला, मेरा एक सजेशन जो रहता है ना वो बहुत सारे सजेशन को मतलब पे भारी पड़ जाता है। जो मैंने आपको बिल्डिंग वाला बात बताया, वो फ्लोर वाला, या जो मैंने आपको बाइक वाला बात बताया जी, या जो मैंने आपको वो बच्चा वाला बात होता है ना कि हाँ कोई पैदा लेता है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे बड़ा होता है, मैथ्स में भी सेम वही चीज है और रीजनिंग में भी वही एप्लीकेबल है। आपको बेसिक सबसे पहले करना होगा, बेसिक के बाद फिर आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना होगा। इजी लेवल के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो जो टीचर आपको बेसिक पढ़ा रहा है उसका जो भी सेशन है उसी सेशन के अकॉर्डिंग आप फिर से उस सेशन को देखिए, रिवाइज कीजिए। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आज कोई टीचर है जो आपको परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस वीडियो में उन्होंने मान लीजिए 20-25 क्वेश्चन करवाया है, उस 20-25 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले समझे कि हाँ इस तरह का पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है, परसेंटेज का बेसिक फंडामेंटल क्या है, फॉर्मूला अगर कुछ है तो उसमें किस तरीके से आप फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे या ब्रेक करेंगे, समझे। कितना तक का आपको मिनिमम परसेंटेज का वैल्यू या फ्रैक्शन का वैल्यू याद होना चाहिए, है ना, या परसेंटेज से फ्रैक्शन में आप मतलब जो कन्वर्ट करेंगे तो कहां तक आपको एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, कि जहां तक अगर आप याद कर लेंगे जो आपको एग्जाम में फायदा पहुंचा सकता है, ठीक। तो इस तरीके का जो भी मतलब वो मान लीजिए फर्स्ट वीडियो में करवाए हैं, तो जो भी 20-25 क्वेश्चन करवाए हैं उस 20-25 क्वेश्चन को ही आप उसको सीखने के बाद दोबारा उन्हीं क्वेश्चन को आप लगाइए, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए खुद से, तब देखिए कि आपसे वही क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपसे वही क्वेश्चन नहीं बनेगा और आप अलग से कहीं किसी और सोर्स से क्वेश्चन को उठा के बनाने लगेंगे तो क्या आपको सही में लगता है कि आपको कभी फायदा होगा, नहीं होगा सर। तो सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है मैथ को सीखने का, अर्थमेटिक को इम्प्रूव करने का, कि जिस टीचर को आप फॉलो किए उनका जो भी सेशन होता है ना, सेशन बोलने का मतलब जो भी टॉपिक वाइज सेशन, बेसिक का सेशन है ना, अर्थमेटिक का जितना भी फंडामेंटल हो गया, बेसिक हो गया, उस सेशन का ही क्वेश्चन को सबसे पहले बनाइए। कि लेवल वन अगर वो करा रहे हैं तो लेवल वन में उन्होंने अगर 20 क्वेश्चन कराया तो 20 क्वेश्चन को हम सीख लिए। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जब टीचर करवाया है तो कुछ सोच समझ के करवाया होगा ना जी सर। और टीचर बेवकूफ थोड़ी है उतना कि हाँ वो आपको कुछ भी करवा देगा, है ना। देखिए, टीचर का आपको मैंने वीडियो में एक और बात बोला है और मैसेज में भी बोला है, टीचर का आपको कॉन्सेप्ट को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जरूरी नहीं है कि आपको टीचर का हर बात मानना चाहिए। टीचर को तभी फॉलो करें जब आपको उससे कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके अलावा फॉलो करने का कोई नीड नहीं, समझे। हाँ जी। तो अब उसके अलावा आप लेवल वन का क्वेश्चन लगा लिए, आपको लेवल वन के क्वेश्चन में भी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि हाँ अरे यार ये जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है ये मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया, अच्छा चलो देख लेते हैं ना ये सर या मैम इसको कैसे सॉल्व किए थे, देख लिए। देखने के बाद आपको पता चला कि अच्छा मतलब हम तो यहाँ पे गलती कर रहे थे या मैं यहाँ पे गलती कर रहा था, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अच्छा ठीक है, अब चलो नाइन्थ नंबर में हमको प्रॉब्लम हो गया था, हम यहाँ पर थोड़ा फंस गए थे, चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं सर कैसे एक्सप्लेन किए थे, अब वो आप देख लेंगे। तो उसके बाद आपको समझ में आएगा, अच्छा चलो अब तो हमको समझ में आ गया कि हम कहाँ पर मिस कर रहे थे थोड़ा सा चीज, या कहाँ पे हमसे थोड़ा सा पॉइंट जो है मिस हो रहा था, गलती हो रहा था। अब उसके अलावा मान लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है उस सेशन का, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था, अब उसको आप मान लीजिए देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप 20 क्वेश्चन का जितना भी चीज है ना वो समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। अब उसके बाद आपको मूव करना चाहिए लेसन टू पे, लेसन टू बोलने का सेशन टू पे, जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। अब मॉडरेट लेवल का अगर मान लीजिए 20-25 क्वेश्चन है तो उसको भी सबसे पहले आप सेशन में देखिए सर का, कि हाँ सर कैसे समझा रहे हैं, क्या उसका बनाने का तरीका बता रहे हैं। अगर उसका कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह है तो आप उसको एक कॉपी पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि हाँ
जो परसेंटेज चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है या जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो टोटल पांच तरह का कॉन्सेप्ट है कि एक आपका परसेंटेज इंक्रीज होता है और एक आपका जो क्या उसे बोलते हैं एक्चुअली मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, एक जो होता है ना आपका मतलब परसेंटेज इंक्रीज हो गया एक आपका और उसके अलावा एक जो सक्सेसिव इंक्रीज हो गया, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट वगैरह है ना आपको परसेंटेज वगैरह में देखने को मिलता है। तो ये सब हो गया ना, तो ये सब आपको मतलब सबसे पहले नोट कर लीजिए कि हाँ इतना तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो परसेंटेज चैप्टर में मैंने पढ़ा, उसका अगर कुछ फॉर्मूला वगैरह है तो वो लिख लीजिए। ये फॉर्मूला नहीं है तो जो भी उनका सॉल्व करने का मेथड है कि अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें आप कैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं तो वो वहां पे नोट कर लीजिए ताकि उससे आप मतलब रिवाइज कर सके, ठीक है। अब उसके अलावा आप लेसन टू जो हो गया या सेशन टू हो गया उसका भी इसी तरीके से पूरा देखें, समझने की कोशिश करें, फिर उसके बाद शाम के टाइम पे या नेक्स्ट डे क्या करें कि आप उसको उसी क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करें खुद से कि हाँ चलो देखते हैं कल जो मैंने पढ़ा था या जो मॉर्निंग मैंने पढ़ा था बनता है हमको क्वेश्चन की नहीं। अब उसमें भी हो सकता है कि आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर टू ही में फंस गए या पहला क्वेश्चन में ही फंस गए, तो अब आप एक्सप्लेनेशन देखिए सर का कि हाँ सर कैसे सॉल्व किए हैं या मैम कैसे सॉल्व किए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैम ने तो ऐसे किया है, यहाँ पर ये करना था और मैंने ये कर दिया, इस बात गलत हो गया, या तो मैंने स्टार्टिंग में ही मतलब मुझे समझ में नहीं आया इसका मतलब मुझे फिर से इस सेशन को कंप्लीट देखना होगा, फिर उसको देखिए, फिर उसके बाद आप उसी तरीके से उनका वही क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। फिर अब आ जाता है उनका जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन या जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन या जो मेंस लेवल का क्वेश्चन आता है, जनरली कोई भी सेशन थ्री में वही करवाते हैं, ठीक है। तो आप उस सेशन को वैसे देखिए, उस सेशन को देखने के बाद फिर से उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आप कहाँ पे फिर से फंस रहे हैं और कहाँ पे आपको उनका एक्सप्लेनेशन देखने का जरूरत है, नीड है। इस तरीके से आप एक परसेंटेज को कंप्लीट कर लीजिए और परसेंटेज जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आप अपना एक नोटबुक में नोट भी कर लिए, कॉपी वगैरह ले लीजिए उसमें आप मतलब नोट कर लिए। अब अगला टॉपिक आपका आता है मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को लिख लिए, उसका जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कॉपी में नोट कर लेंगे और उसके अलावा जो सेशन वन रहेगा या जो वीडियो वन रहेगा उनका या जो लेवल वन रहेगा उसको देखेंगे, सेम परसेंटेज की तरह हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे क्या। अच्छा चलो इसमें 20 क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसे हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट वगैरह सर कैसे सॉल्व करवा रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे तो इन्हीं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का हमको जब सर एक्सप्लेन करने के लिए है तो फिर हम कहीं किसी रैंडम सोर्स को फॉलो क्यों करें, क्यों उसके पीछे माथा फोड़े अपना जब जहां पर हमको अच्छे से सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा। जी सर, आपको कुछ समझ में आ रहा है मेरा बात? जी सर समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, या अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। जी नहीं सर, मतलब समझ में आ रहा है सर, मेरे को यही थोड़ी प्रॉब्लम था, बाकी सब ठीक है, रीजनिंग ठीक है। हाँ रीजनिंग ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आप एक काम करें कि डेली बेसिस पे आप 10 पजल्स लगाएं, डेली बेसिस पे आप मतलब मिक्स जो सेक्शनल होता है ना रीजनिंग का आप उसको सॉल्व करें, या अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। जी सर, मैं डेली 10 में 20 25 कभी कभी पूरा 20 पजल ही लगा देता हूँ। सबसे बढ़िया है, हाँ मतलब बस सिंपल है। अरे भाई एक काम करते हैं, आज हमको पिज्जा खाने का मन किया, आज हम पिज्जा खा लेंगे, आज हमको रीजनिंग में 20 पजल लगाने का मन किया, हम 20 पजल लगा लेंगे, बस बात खत्म। जी सर, मेरे को पजल लगाने में इंटरेस्ट आता है तो इसको बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पजल लगा लेते हैं सर, मैथ भी ठीक ठाक, मतलब मिसलिनियस ये सिंपलीफिकेशन क्वाड्रेटिक ये डीआईओ बन जाता है, अर्थमेटिक भी एक दो तीन अर्थमेटिक में प्रॉब्लम होता है, हम जान रहे हैं अर्थमेटिक में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप बहुत जगह वीडियो से सुनते भी होंगे जो खुद ऑलरेडी जॉब वगैरह लेके बैठे हुए हैं, वो लोग भी ऐसा बोलते हैं ना कि उन्होंने अपने टाइम में क्या किया था कि अर्थमेटिक पे थोड़ा कम फोकस किया था फिर भी उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। अरे भैया एक बात बताइए, आपने जब सिलेक्शन लिया है वो टाइम कब था? आज से एक साल पहले, दो साल पहले, तीन साल पहले? और अभी के समय में अगर मान लीजिए आपका पेपर जो भी एग्जाम हो उसमें अगर 35 का 35 क्वेश्चन अगर आपका SBI PO 3 में पूरा का पूरा अर्थमेटिक आ जाए तो आप क्या कीजिएगा? जब अर्थमेटिक नहीं किया तो बनेगा ही नहीं बनेगा ना, तो ऐसा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मेन बात क्या है ना कि एक्चुअली लोग इस चीज के एजम्पशन पे चलते हैं कि हाँ पेपर में आपको कम से कम 10 सिंप्लीफिकेशन या 10 नंबर सीरीज, मतलब कि 5 नंबर सीरीज, 5 अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 या 2 सेट का आपको DI देखने को मिल जाएगा, 10 से 12 आपका अर्थमेटिक का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और उसके अलावा एक आपका केसलेट वगैरह देख के इसी तरीके से 35 क्वेश्चन का आपका सेट जो है वो क्वेश्चन का तैयार हो जाएगा अर्थमेटिक मैथ का, ठीक है। अगर आप इसी एजम्पशन पे चलेंगे ना तो हो सकता है कि आप नुकसान मतलब आपको नुकसान हो जाए। पेपर आपका जो पहले आ चुका है उसको देखना सही है, उसको सॉल्व करना सही है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, लेकिन
क्या इस बात का कोई भी गारंटी है कि आपका अगला पेपर जो भी आएगा, जो भी नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, जो भी अपकमिंग एग्जाम होना है, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ मतलब कि इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सेट किया जाएगा? हो सकता है कि उसमें पूरा का पूरा डीआई आ जाए, 30 नंबर का अगर आपके पेपर में डीआई आ जाएगा, तो क्या जरूरी है कि आप सभी 30 नंबर का डीआई बना लीजिएगा 20 मिनट में, जो सेक्शन टाइम में रहता है उसके अकॉर्डिंग? नहीं सर, नहीं बनता है, नहीं बनेगा ना। या हो सकता है कि पूरा का पूरा मतलब ऐसा आपके साथ एग्जामिनर गेम कर दे, खेल कर दे, कि पूरा का पूरा वो क्या करे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल दे 35 क्वेश्चन में। कहीं पे भी जो आपका, एक बात बताइए, जो भी नोटिफिकेशन रहता है, क्या नोटिफिकेशन में कभी कहीं पे भी ऐसा गिवन रहता है कि हाँ आपका जो सिलेबस ये है उसके अकॉर्डिंग आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा अर्थमेटिक का, 5 क्वेश्चन डीआई का देखने को मिलेगा, कहीं पे भी ऐसा गिवन है? जी नहीं सर। कि कहीं पे भी आपको मतलब ऐसा बता दिया गया होगा हाँ आपको कम से कम तो 5 ही क्वेश्चन आएगा भैया, उससे ज्यादा तो आएगा ही नहीं, 10 ही अर्थमेटिक का क्वेश्चन देखेगा वहां पे? जब आप क्वेश्चन का कितना अमाउंट में क्वेश्चन आएगा, कितना नंबर क्वेश्चन का आपका मतलब रहेगा, जब वो दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्यों उस तरीके का बेवकूफी वाला काम करेंगे? हम तो अपने आप को हर एक चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे ना, क्या हो तो हमसे जैसे खेलना है वैसे खेल लो, हम इतना बढ़िया खिलाड़ी है ना कि हम हर बॉल पे छक्के मारेंगे, आपको इस तरीके से बनना होगा ना। जी सर, आपको मेरा बात सही प्रैक्टिकल लग रहा है? जी सर, जी सर। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे ना, या कोई भी बंदा, कोई भी बंदा, दुनिया का कोई भी बंदा अगर इस तरीके से तैयारी करेगा, उसका सिलेक्शन कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। तो प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, बेकार के सबसे पहले फालतू वीडियो से दूर रहिए, वरना उससे आप जब इम्प्रूव अभी तक नहीं कर पाए हैं तो आगे कौन सा इम्प्रूव कर लीजिएगा? जी सर, हाँ। और जो आपको हम बताए हैं ना, अगर आपको सही में लगता है कि हाँ मेरा बात जो है कहीं ना कहीं ज्यादा जेन्युइन है, ज्यादा ऑनेस्ट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल रियल है, तो आप उसको फॉलो कीजिए, समझे? आप उसको अपना जो भी प्रिपरेशन है उसका हिस्सा बनाइए। मैं आपको सच बोलता हूँ कि मैं आपको सिलेक्शन के करीब पहुंचा के रहूंगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, और कोई मतलब डाउट नहीं। अच्छा, नहीं अगर है तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, आप मतलब मुझे बताइए, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि आज मैं आपका समस्या का समाधान करके रहूंगा, बोला था ना? जी सर, मेरे को इंग्लिश में प्रॉब्लम था, तो सर मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था सर, जब मैं द हिंदू पढ़ता हूँ ना, हाँ, उसको उसका समझ में नहीं आता, तो समझ में कहाँ से आएगा समझ में? अरे आप 12th के बाद मतलब 12th के टाइम से आप सही तरीके से पढ़े नहीं है इंग्लिश, कैसे आपको समझ में आ जाएगा? हिंदू इतना इजी चीज नहीं ना है, इतना आसान चीज नहीं है। मैंने इंग्लिश ग्रेजुएशन मतलब 12th में भी मैंने इंग्लिश नहीं मतलब पढ़ाया, वो हिंदी मीडियम से था, तो हिंदी मीडियम से था। सोचिए अब जब हिंदी मीडियम से थे, आप हिंदू द हिंदू उठा के आप जो अखबार उसका न्यूज पेपर उसको कैसे समझ जाएंगे, खुद आप सोचिए थोड़ा सा, है ना? मैंने आपको क्या बोला, क्या अचानक से अगर किसी बच्चे को हम दे देंगे 10th क्लास का किताब जिसको ABCD तक नहीं आता है, या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, या तो जिसे एप्पल लिखना तक नहीं आता है कि हाँ ALPLE होगा या APFLE होगा, जब उसे ये लिखना तक नहीं आता है, तो वो कैसे हिंदू को समझ जाएगा? सोचिए आप, है ना? समझ पा रहे हैं अपनी बात को? जी सर, तो ये पूछ रहे सर, उसकी जगह पर द इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं आप? द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर आप पढ़िए, वरना अगर समझ में नहीं आता है तो सिंपल सा आपको हम जो बात बोले हैं वो कीजिए सबसे पहले, उसके बाद आपको पेपर कब पढ़ने का नीड आएगा वो हम बताएंगे आपको। जी सर, पहले सबसे पहले आपका बेसिक को स्ट्रांग कीजिए ना, बेसिक को कंप्लीट कीजिए ना। जी सर, तो सर तरुण ग्रोवर से कर लें? तरुण ग्रोवर सर से इसलिए कीजिए ना क्योंकि मैं आपको सच बताता हूँ, आप उनका 1-2 क्लास देखेंगे ना, उसी में आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना भयंकर लेवल का ये टीचर है, कितना आपको सही तरीके से बता रहे हैं। जी, वो 120 रूल्स वगैरह वो एक्चुअली आज तक खुद ही नहीं किए हैं भाई, वो बेसिक किए हैं, वो उनका खुद कहना है कि मैंने जो भी किया है वो बेसिक किए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से है ना वो MA का डबल इंग्लिश ऑनर्स वगैरह करके रखे हैं, वो बुक वगैरह भी अभी पब्लिश करने वाले हैं अपना, वो इंग्लिश के ही मतलब बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है? मतलब उनका जो अगर क्वालिफिकेशन का बात किया जाए तो इंग्लिश से वो रिलेटेड है, ना कि निमिषा बंसल मैम की तरह जिन्होंने कहीं से MBA किया और MBA करने के बाद अचानक से वो टीचिंग फील्ड में आ गई और बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो सच बताइए कि कौन ज्यादा बेटर होगा? जी सर, वही होंगे जो मतलब शुरू से इसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हाँ, समझ में आ रहा है ना बात? जी जी, हाँ। ऐसे जरूरी नहीं है कि जो टीचर अपने आप को बोल दे कि हाँ मैं इंडिया का नंबर 1 एजुकेटर हूँ, वही नंबर 1 हूँ या वही अच्छा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि टीचर को फॉलो करें तो कुछ सीखने के लिए, ना कि उनका बकवास बात सुनने के लिए, चाहे वो कोई भी टीचर हो, एक्सपायरी कोई भी टीचर हो, ठीक है ना? वरना जिस टीचर को फॉलो करके आपको फायदा नहीं होगा, उनका आप आरती उतार के क्या करेंगे? जी सर, सच बोल रहे हैं हम? जी सर, जी सही। चलिए और बताइए, और अगर कोई समस्या है आपका?
जी नहीं सर, और कोई समस्या नहीं अभी फिलहाल में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे अगर जब भी होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। जितना हमसे पॉसिबल होगा हम आप लोगों के लिए उतना आपको सपोर्ट करेंगे, उतना आपको सजेशन देंगे, ठीक है ना। जी सर,